आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू होते ही देश का सियासी पारा चढ़ चुका है। देश में इस बार 7 चरणों में मतदान होगा और 23 अप्रैल को मतगणना के बाद फैसला हो जाएगा किसकी होगी सरकार। इस चुनावी महासंग्राम में यूं तो सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की है, लेकिन सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस जैसे तमाम क्षेत्रीय दल भी ताल ठोक कर सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने में अपनी ताकत झोंकेंगे। कई राज्यों में कांग्रेस और भाजपा में सीधी भिड़ंत देखने को मिलेगी तो कई सूबों में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ समेत ऐसे 8 राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगे, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मिलाकर 9 राज्यों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने मिलेगा। 5 राज्यों में एनडीए और यूपीए में जंग होगी। ये भी हुआ इन 5 सालों में एनडीए और यूपीए के कई सहयोगी छूटे तो कई नए जुड़े भी। बहरहाल 2014 के मुकाबले इस बार लोकसभा का चुनावी परिदृश्य पूरा बदला हुआ है। 3 राज्यों में जीत के स्वाद ने कांग्रेस को कॉन्फिडेंस भर दिया है तो महागठबंधन का दावा है कि देश से बीजेपी को वो उखाड़ फेंकेगा। इधर राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनों से ही घिरी बीजेपी ने अन्य राज्यों की तरफ रुख किया है ताकि उनके गढ़ में सेंध लगती भी है तो इसकी भरपाई वो कर सके। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही फिलहाल तो टिकट बंटवारे को लेकर माथापच्ची का दौर शुरू हो गया है। सभी पार्टियां जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव खेलेंगी ये भी तय है, क्योंकि जोखिम लेने के मूड में कोई भी दल है नहीं। और बात सही भी है, क्योंकि ये आम नहीं खास चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। लोकसभा की चुनाव की तारीखें जैसे ही सामने आई, उसका ऐलान हुआ, आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम दल अपनी अपनी जमावट में लग गए। यूं तो मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, लेकिन सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस जैसे तमाम क्षेत्रीय दल भी चुनाव का गणित बनाने या बिगाड़ने में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं। सवाल यही है, मुद्दों से इतर लड़ा जा रहा 2019 का आम चुनाव कितना खास होने वाला है, इसी पर है हमारा आज का विशेष कुर्सी का काउंटडाउन। इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक, आनंद तारण कांग्रेस के नेता हैं, राजू मालवी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और साथ ही यश यादव समाजवादी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यश, काउंटडाउन शुरू हो गया है, और अगर उत्तर प्रदेश से ही शुरू करें तो कुछ ऐसा लगता है कि अभी भी महागठबंधन में कुछ कसर रह गई है, कांग्रेस का नेगोशिएशन अभी भी जारी। देखिए, किसी तरह की कोई कसर नहीं रह गई है, सारी सीटों की घोषणा हो चुकी है कि सपा किन सीटों पर लड़ेगी, बसपा किन सीटों पर लड़ेगी, आरएलडी किन सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस किन सीटों पर लड़ेगी। ये हमारी तरफ से पूरी तरीके से तय है। अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है और अन्य दलों को तय करना है कि उन्हें किन सीटों पर लड़ना है, किन सीटों पर नहीं लड़ना है। प्रत्याशियों का चयन चल रहा है, प्रत्याशियों की घोषणा भी शीघ्र हो जाएगी। अभी 9 लोगों की घोषणा हमारी पार्टी की तरफ से हो चुकी है, कुछ की घोषणा बसपा की तरफ से हो चुकी है। मौजूदा जो चुनाव है ये देश का चुनाव है। देश चाहता है कि कोई एक अच्छी सरकार बने, नया प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। एक वो अवसर आया है जो नोटबंदी को देखते हुए, जो GST की जल्दबाजी को देखी है जनता ने, उस सारी चीज़ों को देखते हुए आज जो देश में वातावरण बन गया है कि अगर आप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या मैं आपको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दूंगा? आज इस देश में सवाल पूछना, अपनी चुनी हुई सरकार से, अपनी भारत देश की सरकार से सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह हो गया है। सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, देश से भगाने की बातें हो रही है। यह वातावरण कौन निर्मित कर रहा है? कौन सी सरकारें निर्मित कर रही है? कौन से दल के लोग निर्मित कर रहे हैं? अगर बातें करें कि इन सरकारों ने क्या उपलब्धियां दी, तो जहां बड़े नक्सली हमले होते हैं तो CRPF का जो DG होता है, जो मुख्य पदाधिकारी को होता है, वो 4-4 महीने तक रिक्त रहता है उसका पद। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो CBSE महत्वपूर्ण संस्था का
डेढ़ साल तक चेयरमैन का पद खाली रहता है और मंत्री स्मृति ईरानी जी कोई उस पर एक्शन नहीं लेती, उनका तबादला कर दी, उनका दूसरे विभाग में चले जाती हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री नए आ जाते हैं, वो 13 रोस्टर प्लान पे बातें करते हैं, सदन को बहकाते हैं और 200 रोस्टर प्लान के लिए वापसी उनको करनी पड़ती है। एट्रोसिटी एक्ट पे हमने देखा कि कहते कुछ है होता कुछ है। लगातार इन पूरे 5 वर्ष में देश में जो एक अराजकता का माहौल इस सरकार ने दिया है, जनता इंतजार कर रही थी इस मौके का कि कब उसको बटन दबाने का मौका मिलेगा और एक नई सरकार चुनने का, एक नया प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिलेगा। आनंदन, कैसे जाएंगे आप? राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन, देश में उनकी सरकार, और अभी जो राष्ट्रवाद और खास तौर से सीमा पर जो तनाव है उसको लेकर तो आप पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ये अपना चरित्र नहीं देख रहे थे। जब देश आज़ाद हो रहा था तो इनका, इनकी जो विरासत है, जो इनके पूर्वज हैं, वो इस देश की आज़ादी में कौन सी भूमिका में थे? जो लोग आज़ादी में विभीषण की भूमि में काम में थे, जो आज़ादी में मुखबरों की भूमि में काम में थे, आज वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो इससे ज़्यादा छदम बात तो कोई हो नहीं सकती। और ये देश की जनता ने सब देखा है, जो वायदे कर जिस वायदे को देखकर जनता इनके वादों में आ गई और उसने इन्हें जनादेश दिया, और जो इनकी मानसिकता थी, जितना ये चाहते थे जनादेश, उससे भी कई गुना ज़्यादा इनको जनादेश मिल गया। निश्चित रूप से बौखला गए, बौखलाहट में उन्होंने जो वायदे किए थे उनकी तरफ तो उन्होंने देखा नहीं, लेकिन ताबड़तोड़ तरीके से जो नोटबंदी की, उससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पूरी रीढ़ की हड्डी, चाहे व्यापारी, जो व्यापारी इनके वोट बैंक थे, जो इनको इनकी रीढ़ की हड्डी काम करते थे, जो इनको पैसा देते थे, जो इनको ऊर्जा देते थे, उन सबसे पहले उन पर प्रहार किया। और जब उन्होंने बोला भी तो इनको लगा कि अब हमारे पास बहुत से लोग आ गए, उन्होंने व्यापारियों को कोई सम्मान नहीं दिया। तो निश्चित रूप से नोटबंदी से जहाँ तक, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों उनको दिक्कत हुई, शहरी क्षेत्रों के लोगों उनको दिक्कत हुई, व्यापारियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है। आज व्यापार 40% 50% पर स्थिर हो गया। जहाँ तक गृहणियों की बात है, अगर मोदी सरकार को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो इस देश की महिलाएं वोट नहीं देंगी, क्योंकि अगर मोदी सरकार ने नोटबंदी से सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ दी है तो हमारी बहनों को दी है, हमारी माताओं को दी है, उन गृहणियों को दी है जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के बुरे समय के लिए जो पैसे बचा के रखती थी, शादी ब्याह के लिए जो पैसे बचा के रखती थी, आज वो अपने आप को कंगाल महसूस कर रही, आज उनकी जेब खाली है, आज उनका खजाना खाली है। तो निश्चित रूप से आज समय आ गया उन महिलाओं को जो इस बात से त्रस्त हैं, वो निश्चित रूप से मोदी सरकार को जवाब देंगी, मोदी जी को जवाब देंगे। और मोदी जी ने जो वायदे किए थे कि काला धन देश में लेके आएंगे, और इतने, अरे आनंद जी कैसे मुकाबला करेंगे? पूरे देश में एक ऐसा भाव पैदा हो गया, पाकिस्तान को सबक सिखाना, आधी रोटी खाएंगे लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। देखिए अंदाज में सारी चीजें चल रही हैं। देखिए रिजवान जी जो ये बातें करते थे कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो कहते थे कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, भैया कहाँ हैं आज जिन शहीदों की विधवाएं आज मोदी जी से सवाल कर रही हैं कि भैया एक आज से अब तो ले आज 40-45 सब तो आपने देख लिए, शहीदों के सब देख लिए, एक सब तो बता दीजिए कि हमने किन लोगों को मारा, एक तो बता दें, तो वो सवाल कर रही। और आज राजनेता अगर सवाल कर रहे हैं, अगर ममता बनर्जी ने सवाल किया, अगर दिग्विजय सिंह जी ने सवाल किया, तो आप बोल रहे हैं कि ये हमारे ऊपर सवाल कर रहे हैं, सेना आप दिग्विजय सिंह ने जो सवाल किया है आप उसके साथ हैं, पार्टी तो कहती है। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जो कहते हैं सच कहते हैं, और निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी पार्टी लाइन भी यही है, दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं सच कहते हैं, और पार्टी लाइन भी यही है। मैंने क्या बोला? दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं सच कहते हैं, और वो आज नहीं, कल नहीं, परसों पूरी हुई। आप तो शांत रहे, रिजवान भाई से मैं बात। चलिए चलिए चलिए, एक बात, राजा जी का समय आ गया। रिजवान भाई एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सवाल, भारतीय जनता पार्टी सवाल किया, सेना से सवाल नहीं किया। सेना पर पूरे देश को विश्वास है, सेना पर कांग्रेस को विश्वास था, हमारे राष्ट्रीय नेता ने सेना के प्रति अपनी भावना व्यक्त की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आपने कहा कि हम इस मामले में साथ में 250-300 की बात कीजिए, मामले में साथ में, और फिर आप ही सवाल पूछने लगे। नहीं, राष्ट्रीय, मैंने क्या बोला रिजवान भाई, कि भारतीय जनता पार्टी के जब नेता ने इसके ऊपर राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला कि हम 25 में से 22 सीट लेके आएंगे, किस तरह से निम्न स्तर की बातें की कि सेनाओं की शहादत पर आप राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा निम्नता का, इससे ज्यादा नीचता का तो राजा जी से कुछ पूछ लेंगे। राजा जी कैसे जाएंगे?
बहुत ढेर सारे सवाल हैं जनता के। वैसे अभी आज तक अभी वो सवाल जो है वो बहुत उसमें पैनापन कम हो गया है, लेकिन अब कितने दिन तक वो सवाल धूल खाते रहेंगे या फिर वो सवाल चमक कर सामने आएंगे। नोटबंदी, जीएसटी से लेकर बेरोजगारी से लेकर अनेक सवाल हैं देश के अंदर, बहुत तरह के सवाल हैं। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना है। प्रधानमंत्री के हर भाषण में, आधे आधे भाषण में तो वही रहता है, शौर्य रहता है, और वही एक भाव जो है वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे चुनाव आयोग ने मना कर दिया आप सभी लोगों को इस पर बात करने के लिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आप बात कम बंद करते हैं या फिर जारी रहेगी, क्या लगता है? बाकी सारे मोर्चे या सिर्फ सीमा का जो मोर्चा है वही चुनाव मुद्दा होगा? रिजवान भाई, मेरे साथी प्रवक्ता की बौखलाहट बहुत स्पष्ट रूप से बता रही है, और आपका बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने एक बात उनसे स्वीकार करवा ली कि दिग्विजय सिंह जी की बात पार्टी लाइन है जी। तो बहुत अच्छा है, देश ये जानना चाहता था, स्वीकार नहीं किया उन्होंने, देश ये देखना चाहता था, स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को समर्थन कर रहे हैं। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी का प्रवक्ता पार्टी की बात करता है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मैं आप इतना गुस्सा क्यों रहे? मैं आपको वही कह रही हूँ। अरे आनंद जी, आनंद जी, आप तो उन्हें कहने दे दीजिए साहब, आपने आप स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, नंबर आया, धन्यवाद आपको, बहुत बधाई। देश ये देखना चाहता था वो आपने सुना दिया, बहुत बढ़िया। बात की शुरुआत की गई थी आजादी के आंदोलन से, तो कांग्रेस उतने पीछे जाना है क्या? नहीं, जाना पड़ेगा। पांच साल राजनीतिक दल, पांच साल का लेखा जोखा देने काफी है। एक मिनट, आ रही हूँ रिजाना, बहुत शॉर्ट में जी। दूसरी बात, देश का विभाजन किया था तो कांग्रेसी भी, जिन्ना कोई पराया नहीं था वो भी कांग्रेसी था जी। लेकिन आपने जिस ढंग से स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस देश का विभाजन किया वो भी पूरी दुनिया ने देखा है जी। रही बात, अब आप मत ले जाइए उतनी दूर तक, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं रोकता हूँ। उन्होंने कहा कि देश की बहनें इस बार मोदी जी को वोट नहीं देंगी। मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ, इस बार सर्वाधिक वोट अगर मिलेंगे जी, तो मात्र शक्ति के मिलेंगे। आनंद जी, उनकी जेब खाली नहीं हुई, जनधन का अकाउंट खुल के उनके पहले पैसे अकाउंट में डल चुके थे, और किसी भी बहन के डिब्बे में 2.5 लाख से ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उनको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हाँ, उज्ज्वला के कनेक्शन ने उन्हें जरूर ताकत दी, उनके शौचालय ने, उनके इज्जत घर ने उनको जरूर ताकत दी। और आप जिस बात की बात कर रहे हैं, जिस राष्ट्रीय परिपक्ष की बात कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि आप सेना के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सेना के ऊपर इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य है? सेना की बात नहीं कर रहे, आपके नेता के ऊपर, सेना के ऊपर आपने उंगली उठाई है, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। आपका चरित्र यही तो देश जानना चाहता है। सेना के ऊपर पूरे देश को विश्वास है। आनंद जी, अरे आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, रुक जाइए साहब। अरे आनंद जी, कह लेने दीजिए, महिला है वो, महिला है। राजू जी आपसे भी मैं कहूंगा, आपसे भी मैं कहूंगा, राजू जी आपसे भी मैं कहूंगा कि जो विषय है, अगर हम लोग उसी के इर्द गिर्द रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने ये बात आनंद जी को नहीं कही जब उन्होंने, मैंने कहा था, टोका था, उन्हें टोका था मैंने, तो टोका तो आप सबको टोको, और नहीं तो किसी को, आपको भी टोक रहा हूँ, उन्हें भी टोक। चलिए, मैं तो ये मानती हूँ कि यह चुनाव निश्चित रूप से सभी दलों को, इस देश ने देखा है सभी दलों के कार्य पद्धति, सभी दलों के क्रियाकलापों को देखा। यश जी को मैं कहना चाहती हूँ, वे जो बातें कह रहे हैं जी, क्या उनके पितृ पुरुष मुलायम सिंह जी ने देश नहीं देखा? मुलायम सिंह जी ने भरी संसद में सारी बात बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कही, और इसलिए मैं ये मानती हूँ कि मजबूत और मजबूर सरकार के बीच चुनाव होगा जी। मेरे प्रधानमंत्री जी वो पूरे देश के हैं, मेरे अकेले नहीं है जी। वो जो कह रहे हैं निश्चित रूप से आज जनता वो सुनना चाहती है कि पाकिस्तान के प्रति हमारी क्या भूमिका होगी, स्पष्ट करिए, और उसी को उन्होंने स्पष्ट किया है। आने वाले चुनाव में, चुनाव की बेला में स्पष्ट किया, उस पर बहुत से सवाल उठते रहे। नहीं, वो तो जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से सारी घटनाएं तो बीच में बहुत होती रही, भी बात कर रहे हैं, बहुत सी घटनाएं हुई। देखिए कि आज जो परिदृश्य बना है कि सारा विश्व आपके साथ खड़ा है, वो एक दिन में नहीं खड़ा होता रिजवान भाई, उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है।
विश्व आपके साथ पहले भी खड़ा था, भारत इतना कमजोर कभी नहीं था। समझौता भी देखा है, शिमला समझौता भी देखा है, टेबल पे हाथ थे तो युद्ध में मैदान में जीते। इतिहास को इतना झुठलाना ठीक नहीं है। और कालिया का उदाहरण भी देखा है, विश्व आपके साथ बरसों से खड़ा है, भारत महाशक्ति है, विश्व भारत के साथ खड़ा है और मजबूरी है विश्व की भारत के साथ खड़ा होना, और जरूरी भी है उनके लिए, उनके अपने अस्तित्व के लिए भी। चलिए पंकज जी, क्या कहेंगे जी, बताएं। सवाल आपने बहुत ढेर सारे सवाल और बहुत से जवाब सुने, अब चुनाव की बेला है, माहौल भी चुनावी होता जा रहा है, वैसे चुनावी माहौल तो तकरीबन 6 महीने से था लेकिन अब तो आचार संहिता लग गई है, बोलने का तरीका बदलेगा, रवैया बदलेगा, माहौल बदलेगा, कुछ हद तक चीज़ें तटस्थ होंगी, मीडिया का तौर तरीका भी बदल रहा है धीरे धीरे, अब आप क्या देखते हैं, किस तरह से होने वाला है ये चुनाव, कितना दिलचस्प होने वाला है? रिजवान भाई, मैं इतिहास पे नहीं, भूगोल पे और वर्तमान पे बोलूँगा। दरअसल जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जनादेश उसके ऊपर आना है। मुझको नहीं लगता कि जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ वो आधार बनाकर कोई जनादेश आएगा। हो सकता है कि छुपुट एकाध विषय पर जनता अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है, लेकिन मोटे तौर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लोग अपनी राय व्यक्त करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जो जिसको नरेंद्र मोदी महामिलावट बोलते हैं और वास्तव में जो कि महागठबंधन बनने की प्रक्रिया चल रही है, अब विपक्ष का इसमें भूमिका यह होना चाहिए कि अगर जैसा कि उन्होंने कतिपय बाई इलेक्शन के जब नतीजे लोकसभा के आए तो उनमें एक काफ़ी उत्साह का वातावरण बना और उन्होंने ये तय किया कि गैर भाजपा पार्टियों के वोटों का ध्रुवीकरण होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में उनका बिखराव नहीं होना चाहिए। जहाँ तक महागठबंधन के नेता का प्रश्न है, ये भविष्य पर छोड़ दिया जाए तो ये रणनीति उचित ही है। और अगर प्रतिपक्ष को किसी भी परिस्थिति में एनडीए का मुकाबला करना है तो उन्होंने भूगोल को देखते हुए प्रत्येक राज्य में अपनी सीटों का बंटवारा उसी आधार पर कर लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए फायदे की बात होगी कि उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें हैं, अभी तक महागठबंधन की तरफ से जो सबसे बड़ा पार्टनर है कांग्रेस, उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ नहीं किया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तत्परतापूर्वक कदम उठाते हुए गठबंधन कर लिया और आरएलडी को अपने साथ जोड़ लिया। अब कांग्रेस को जितनी सीटें वहाँ पर मिल रही हैं उस पर समझौता करना चाहिए, 7-8 सीटें देने के लिए वो तैयार हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन अगर कांग्रेस सोच रही है कि 14-15 सीटें उसको मिल जाएंगी तो मुझको लगता है कि 10 से सीटें ज़्यादा मायावती या अखिलेश यादव नहीं दे सकते। और ये जो स्थिति है कांग्रेस की वहाँ पर, मैं सोचता हूँ कि अगर वो 10 सीटों पर राजी हो जाते हैं तो इस बात की गारंटी होती है कि उनके 10 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से जीत कर आ रहे हैं, वरना विधानसभा और लोकसभा के कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जितने प्रयोग किए हैं एक बार अपवाद को छोड़कर बाकी में वो विफल रहे हैं, और जिस अपवाद में वो जीते भी हैं उसमें भी वो 10-12 से ज़्यादा सीटें लाने में सफल नहीं रहे हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि प्रतिपक्ष जितनी शीघ्रता से राज्यों में अपने महागठबंधन की सीटों का बंटवारा कर लेगा उतना ही ज़्यादा दबाव एनडीए के ऊपर पड़ सकता है। अभी का जो चुनाव है वो बिल्कुल जो सीमा पर तनाव है उसके इर्द गिर्द ही हो गया है जी। आपको क्या लगता है ये पूरे चुनाव तक ये कायम रहने वाला है या इससे इतर भी बहुत ढेर सारे मुद्दे हैं जो धीरे धीरे चुनावी शोर में सामने आने लगेंगे? देखिए, जो एयर स्ट्राइक इन्होंने किया था वो एयर स्ट्राइक मुझको ऐसा लगता है कि अधूरा है, क्योंकि उसमें जो 50% जहाँ पर उसका श्रेय लेने की बात है वो पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल मीडिया में मिला है। क्योंकि देखिए, उन्होंने हमारी कार्रवाई हुई और हमारी सेना ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई की, अच्छी कार्रवाई की,
और जो उनको रिपोर्ट दी गई थी, टारगेट दिए गए थे, उस टारगेट पे उन्होंने पूरी कार्रवाई की। अब टारगेट कितने सही थे कितने गलत हैं ये एक अलग बात है, लेकिन सेना को जो टारगेट दिया, सेना का काम था कि उनको टारगेट पे, लक्ष्य पे अपना निशाना साधकर वापस लौटना है। दुर्भाग्य से हमारा एक मिग विमान नष्ट हुआ, हमारा एक पायलट उन्होंने पकड़ा, और उसके बाद जिस तरह से इमरान खान ने उसको लौटाया, उससे पाकिस्तान की स्थिति इंटरनेशनल मीडिया के सामने थोड़ी सी उसमें सुधार हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए दोबारा एयर स्ट्राइक करना वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, खासकर जेनेवा कन्वेंशन जो कहता है उसके अनुसार उचित नहीं था, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी के हाथ थोड़े से बंद गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार जो सीमा पर, देखिए रिजवान भाई, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी, और उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल है एलओसी। हम जहाँ तक लड़ाई लड़ते हैं वो एलओसी पे लड़ते हैं, लेकिन अब लड़ाई जो होना चाहिए वो एलओसी से आगे जाकर होनी चाहिए, इंटरनेशनल बॉर्डर पर होना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत लो प्रोफाइल में चल रहा है। और अगर पुलवामा जैसी घटनाएं, और जहां पर उड़ी जैसी घटनाएं, और जहां पर इतने, खासकर और ज़्यादा नहीं जाएं तो पिछले 20 साल में इतनी घटनाएं हो गई हैं, तो हिंदुस्तान के बर्दाश्त करने की सीमा आखिर कहां पर ख़त्म होगी? तो राष्ट्र ये देखना चाह रहा है। मुझको नहीं लगता कि राष्ट्र इस बात से संतुष्ट है कि जो कार्रवाई की है वो पर्याप्त है। चलिए यश, चुनौती है बहुत सी बड़ी, मुलायम सिंह का जिक्र कर रही थी अभी राजू मालवी, उन्होंने मोदी जी की बड़ी तारीफ की है, शुभकामनाएं भी दी हैं, और साथ ही सीमा पर जो तनाव है, अखिलेश यादव ने भी उस पर कुछ बयान दिया है, सीमा पर जो तनाव है उसको लेकर जिस तरह के पॉलिटिकल बयानबाजियां हो रही हैं, अखिलेश यादव हो, दिग्विजय सिंह हो, अन्य नेता हो, बी के हरिप्रसाद हो, उसको क्या लगता है कि ये बहस, ये चर्चा पटरी से उतर गई है, किसी और दिशा में चली गई है, और एक तरह से ये जोखिम भरा है ये चर्चा? देखिए, देश की सुरक्षा के मामले में पूरा विपक्ष एक साथ है, ये समय समय पे बात बोली जा चुकी है, और आज भी मैं बोल रहा हूँ, और इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि पूरा विपक्ष देश के साथ में है। आप देश के लिए अगर कोई काम करेंगे तो वो पूरा विपक्ष आपके साथ देगा, लेकिन आप सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और आप चले जाएंगे चुनावी सभा में तो कैसे विपक्ष आपके साथ में देगा? आप बोल रहे हैं एयर स्ट्राइक हुई है, हम मान रहे हैं एयर स्ट्राइक हुई है, हम शौर्य विश्वास करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दी है एयरफोर्स को, और हम इस बात को कहते हैं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है 300 मारे गए हैं, दूसरा नेता बोलता है 250 मारे गए, तो राजनीति कौन कर रहा है? कौन सेना की वर्दी पहन के किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूरे देश में घूम रहा है? कौन अपने विज्ञापनों में सेना के अधिकारियों के फोटो लगा करके राजनीति कर रहा है? तो ये सेना की राजनीति कर कौन रहा है, ये सवाल उनसे होना चाहिए। चुनाव आयोग ने एडवाइजरी किन के लिए जारी की गई है, बात उस पे होनी चाहिए। देश की जनता को बरगलाने का काम हो रहा है, जैसे ही सवाल, आपके लिए कितना जोखिम भरा है इस पर चर्चा करना, ये सवाल था मेरा, कितना जोखिम भरा है? देखिए, किसी तरीके की कोई जोखिम भरी बात नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब लोग बात करते हैं। यही मैं बात कर रहा हूं कि आज अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो वो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। ये किसने माहौल बनाया, कौन सी पार्टी के लोग माहौल बना रहे हैं? कल सुषमा जी कह रही थी कि अब जनता एक स्ट्राइक करने जा रही है, ये सैनिक भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, किस आवश्यकता के लिए? क्या आपके लिए राजनीतिक भाषा कम पड़ गई है, या आपके पास विषय खत्म हो गए? उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस डकैती डाल रही है, विषय वो होना चाहिए जनता की सुरक्षा के लिए आपको चुना गया है, आप लेकिन विषय से भागते हुए जनता के सवालों से वक्त की कमी है। आनंद, क्या लगता है कि जो आप सीमा पार या सीमा पर जो वार हो रहा है उसको लेकर आप जितनी भी बातें करेंगे वो आपके लिए बेहद जोखिम भरी है? नहीं, जोखिम भरी बात नहीं है। सेना के साथ न केवल कांग्रेस पार्टी, पूरा देश है, पूरा विपक्ष है, और ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे जनता में इसका गलत मैसेज दे रहे हैं। और खासतौर से सबसे बड़ी बात ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है, उनका एक दूसरा मंत्री बोल रहा है, एक 250 बोल रहा है, एक 300, और सेना कह रही है कि हमारा काम ये नहीं है, सब गिनना नहीं है, हमारा काम जो हमें एंगल दिए गए थे वहाँ हमें बाहर करना था, वो हमने सब कर दिए। लेकिन इसके बाद भी ये जो आतंकवादी गतिविधियाँ कहीं कम नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं हमारे जो
नेतृत्व है उसकी कहीं ना कहीं कमी है। और फिर दूसरी बात यह कि जो चुनाव इन सब चीजों पर नहीं लड़ा जाएगा, जो ये तो केवल जनता से अपने मुद्दों को जो इनकी नाकामी है उनसे भटकाने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे उन वायदों पर नॉट ए सिंगल, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी, वो 10 करोड़ नौजवान आज ललायत हैं कि हमारी नौकरी कहाँ गई, हम तो ठगे के ठगे रह गए। तो ये निश्चित रूप से ये सवाल जनता पूछेगी, सरकार राजनीतिक पार्टियां ये पूछेंगी और निश्चित रूप से ये ही सब चीजें सामने आएंगी। ये सब चीजें आपने बहस क्यों कर दी कि कितने मरे ये बताओ सबूत दो, ये बहस शुरू नहीं करते। चलिए राजमाली, ये सब जब जब राजनीति इस तरह पे आ गई, समझ गया एक 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 प्रदेश का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मैं समझ गया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहा है, सीटें आ रही हैं जो राजनीति कर रहे हैं। चलिए आनंद जी, वक्त की कमी है, आनंद तारण वक्त की कमी है। राजमाली क्या लगता है ये जो संख्या बनाने के लिए जो प्रवक्ता की तरह व्यवहार करने लगे, अचानक संख्या बताने लगे और सिर्फ सारा चुनाव का कैंपेन जो है वो उसी के इर्द गिर्द हो गया। और जैसा कि यश कह रहे थे कि जो सेना में उपयोग किए जाने वाले टर्मिनोलॉजी है उसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक, पायलट प्रोजेक्ट, ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या राजनीति में ये किस तरह की भाषा, हम कहाँ पहुँचे जा रहे हैं? वो कत्ल भी कर दें तो चर्चे नहीं होते, हम आह भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम। बांग्लादेश बनाया किसने और बनाने के बाद दुर्गा किसको कहा गया, क्रेज किसने लिया, क्रेडिट किसने लिया? अगर इतिहास में जाऊंगी तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। कांग्रेस का हाँ वही बोलती वही बोला है, वही गागा के सुनाया है, वही मैं आपको सुना रही हूँ। लेकिन आपने देखा होगा जिस दिन एयर स्ट्राइक हुई थी उस दिन के बयान सारे देश के सभी लीडरशिप के एक साथ देश के साथ थे और हमने भी इस बात को, समूचा भारत देश एक है, हम सब मिलके उसका जवाब देंगे, यही सबने कहा था। लेकिन 24 घंटे बाद स्वर बदल गए। जब स्वर बदले किसका, तो बदला किसका, बदला 24 घंटे बाद किसका स्वर बदल गया आप देखिए ना, 24 घंटे बाद सारे दलों के स्वर बदल गए। थोड़ा बताइए ना, असलियत तो सामने आने लगी। मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैंने दिग्विजय सिंह का सवाल सुना, वो काफी दिनों बाद आया। उसके अलावा उससे पहले मैंने प्रधानमंत्री का सुना कि कांग्रेस के जमाने में सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी। तो गलत है हमने क्या? हमने ये सारी चीजें की है? अभी अरे भाई कांग्रेस ने 90,000 सैनिकों को, अब वो आनंद भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस के आनंद भी यही कह रहे हैं कि क्या ये गलत है सवाल, क्या ये सवाल गलत है? सवाल सही था जी। उस समय क्या आपके पास साधन, आप एक तरफ सरकारी समर्थन चाहते हैं, आपने सेना को बांध के रखा था, आज सेना को अगर किसी ने खुली छूट दी, श्रेय नहीं लिया था भाई, खुली छूट दी तो किसने दी? आपका चरित्र क्या, मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं दे सकती थी क्या, राजीव गांधी जी की सरकार नहीं दे सकती थी क्या, अन्य नहीं दे सकते थे? लेकिन आज राजू जी चुनाव के समय इस सेना को खुली छूट दी आपने, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। घंटा बज रहा है पूरे दुनिया में हमारा। अब पंकज जी से पूछ रहे थे थोड़ा मुझे, पंकज जी इस सारे मामले में जिस तरह से सियासत हुई उस पर मैं आप सिर्फ आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि सारे मामले में जिस तरह से सारे से आशय मेरा सिर्फ वही है, पुलवामा की घटना, जिस तरह से हमारे जवान शहीद हुए, सुरक्षा में सेंध लगी, सेंध क्या कहूंगा, पूरी तरह से सुरक्षा तहस नहस हो गई और फिर हमने उसका जवाब भी दिया, जो लक्ष्य दिया गया था उसमें हमने बम गिराए, लेकिन सियासी जो विस्फोट है वो आज भी जारी है। देखिए ऐसा है कि किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एयर स्ट्राइक की घटना का सियासी लाभ नहीं लेना चाहिए। कोई उनको कुछ भी कहे लेकिन उनको अपने जो नैतिक मूल्य हैं और जो आचार संहिता की के जो तकाजे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ जहाँ भी ये पोस्टर उन्होंने लगाए हैं और जिसमें जो हमारे पायलट हैं उनका अभिनंदन का उन्होंने फ़ोटो लगाया है, ये बहुत गलत चीज़ है और ये इसका संज्ञान चुनाव आयोग ले, उस पर कार्रवाई हो। एक पार्टी इतनी जिम्मेदार जो केंद्र में है उसको कम से कम उसके कार्यकर्ताओं की ये दुस्साहस करने की क्यों स्थिति बनती है? और सेना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।
और जहाँ तक पुलवामा का सवाल है या एयर स्ट्राइक का सवाल है, अगर बॉर्डर पे कोई भी ऐसी और भी घटना ईश्वर कर न करे न चाहे ऐसा न हो, ईश्वर चाहे ऐसा न करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारी सेनाओं को, हमारी सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन और चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, ऐसी स्थिति में ये नाजुक समय में सभी को बहुत ही, अब चूंकि अब ये कोई भारतीय जनता पार्टी और ये जो सरकारें हैं कोई धार्मिक संस्थाएं तो है नहीं, और अब तो धार्मिक संस्थाएं भी जो हैं उनका भी राजनीतिकरण हो गया है, तो जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो तो राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन राजनीति का भी अपना एक मूल्य होता है, वो खासकर उसको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि एयर स्ट्राइक की तुलना भारतीय जनता पार्टी को 1971 के युद्ध से नहीं करना चाहिए। 1971 के युद्ध में हमारे पास हमारा सैन्य बल जो भी था, लेकिन लेकिन नहीं 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 मैं खाली स्पष्ट कर रहा हूँ हमारा नहीं, नहीं, नहीं देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि उस वक्त जो घटना हुई थी, उस जब कार्रवाई हुई थी, उसमें एक देश को स्वतंत्रता दिलवाई थी भारत ने, ठीक है, एक देश अस्तित्व में आया, जी एक देश अस्तित्व में आया था, इसलिए हमारे सैन्य बल की तुलना नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इन एयर स्ट्राइक के बाद हमने एक इंच जमीन भी नहीं जीती है, हालांकि हमारा लक्ष्य भी नहीं था और भारत का ये लक्ष्य कभी नहीं रहा है। भारत एक नैतिक देश है, ये देश महावीर बुद्ध और गांधी का देश है, यहाँ पर नैतिक मूल्य और सहिष्णुता बहुत बड़ी चीज है, और इसका ही पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। मैडम आप सुनिए, इसका पाकिस्तान फायदा उठा रहा है और इसका मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है, जिसकी अपेक्षा अभी है। और मुझको लगता है कि अगर ये सरकार वापस सत्ता में आएगी, आती है अगर, तो जो भी आए, हम तो कहते हैं जो भी आए इसका जवाब देना होगा, जो भी सरकार आएगी उसका जवाब देना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी को भी हो और वो जवाब देती है, हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं और ऐसा इतिहास भी है। यश यादव हमारे साथ जुड़े, राजू मालवीय आप हमारे साथ जुड़ी, अनंत तारण आप हमारे साथ जुड़े और पंकज पाठक आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। फिलहाल तो सेना का शौर्य ही चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है, सीमा पे तनाव चुनाव के लिए किसी पार्टी के लिए खाद बीज का काम कर रहा है, तो कोई उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई संख्या की बात करता है तो कोई शौर्य की बात करता है, कोई देश प्रेम की बात करता है तो कोई किसी को राष्ट्रद्रोही कहता है। लेकिन इस सबके बाद भी, इसके इतर भी बहुत से मुद्दे हैं जो धीरे धीरे इस चुनाव में सामने आएंगे, बहुत से स्थानीय कारण भी होते हैं। चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। सर्वे अभी कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे थे, आगे कुछ और भी कह सकते हैं, तो अब देखते हैं कि क्या होता है और ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कार्यक्रम के प्रायोजक थे पेट सफा, पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा।